मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनम मेहता और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। हाय प्रदीप। प्रदीप, सबसे पहले तो बाजार फिर से एक अहम लेवल्स पे आ चुका है। निफ्टी 11,000 पर, बैंक निफ्टी 27,000 पर, मिड कैप्स में जबरदस्त तेजी आज देखने को मिली। हो गया रहा है प्रदीप, अब एक दिन गिरावट एक दिन चढ़ाई अच्छी खासी कर रहे हैं हम, अब क्या व्यू रहेगा? तब हम तेल के गुलाम हैं जी। तेल, कच्चा तेल ऊपर जाता है $80 पे तो हमारे बाजार धराशायी हो जाते हैं, और अगर कच्चा तेल फिर 70 या उसके नीचे आ जाता है तो हमारे बाजारों में फिर पटाखे फूटते हैं जी। तो इतना ज्यादा सेंसिटिविटी तेल को लेकर हमारे मार्केट्स में, ये समझने वाली बात है। और ये एक बड़ी वजह है कि हम आज सुबह काफ़ी बुलिश कॉल क्यों दे रहे थे जबकि कल तक हमें काफ़ी कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज सुबह जो हमने कॉल दी थी हम उस पर कायम रहेंगे। हमारा मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली एक तेज़ी है। आज हमने निफ्टी बैंक पे और फिर निफ्टी पे और फिर मिड कैप पे इसी ऑर्डर में तेज़ी की कॉल बताई थी और वो प्ले आउट हुआ है। खासतौर पे मिड कैप्स काफ़ी ज़्यादा, चूँकि 3-4 दिन टूट चुके थे तो वहाँ पर अच्छा बाउंस आया है। निफ्टी बैंक भी चूँकि ज़्यादा ओवरसोल्ड थे वहाँ पर ज़्यादा बाउंस आया है। निफ्टी में थोड़ा कम बाउंस आया है क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पॉजिटिव निगेटिव दिखता है। अब आगे क्या, निफ्टी बैंक में 27,170 ये लेवल याद रखिए, लिख के रखिए। जब इस लेवल के ऊपर बाजार चला जाए, बंद हो जाए, तो मान लीजिएगा कि अब और मंदी नहीं होने वाली, अब यहाँ से तेजी है। और निफ्टी में 11,080 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तभी हम लॉन्ग करेंगे, तब तक हर तेजी में बेचने के मौके ढूंढेंगे। बाजार की चाल का अंदाज़ा लगाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता, तरीका यही होता है कि आप इंपॉर्टेंट हर्डल्स पे नजर रखें। जब वो पार हो जाए तो आप समझे कि हाँ, अब मोमेंटम बुल्स से बेयर्स में या बेयर्स से बुल्स में शिफ्ट हो चुका है। तो ये तेजी है, लेकिन अगर ये लेवल्स के करीब बाजार आपको कल दिखता है जी, तो मेरा पहला इम्पल्स ये होगा कि वहाँ पर आप नाफा वसूल कर लें। okay. ये लेवल जो हर्डल्स की बात मैं कर रहा हूँ शायद हल से पार नहीं हो। ओके ओके। और क्रूड के लिए कोई इम्पोर्टेंट व्यू देना चाहेंगे? $72 के नीचे तो थोड़ा आ चुका है, क्या ये 70 तक जाएगा और इसका फायदा हमें मिलेगा कि नहीं? अभी वो थोड़ा संभलता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के लिए मेरी रेंज है 70 से 80। बिल्कुल। लेकिन अगर ब्रेंट 70 पे आता है तो हो सकता है कि WTI 65 के आसपास आ जाए जी, तो 65 से 80 पकड़ लीजिए। ओके। इसी रेंज में रहने वाला है और हम इसके लोअर बैंड पे आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसके और नीचे जाने के आसार नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर क्रूड 70 के नीचे फिसलता है, और जैसे कि फिसल रहा है, WTI तो आ गया है, तो वहाँ पर एक बार फिर से जो क्रूड प्रोड्यूसर्स हैं उनके पेट में दर्द होने लगेगा जी। तो वहाँ से आपको कोई बुरी खबर फिर से आ सकती है। 80 पर जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप फिर हंटर चलाएंगे, तो इस रेंज में चलेगा, यहाँ से टूटेगा भी नहीं और यहाँ से लंबी तेजी भी नहीं होगी। $80 पे भी हमारा मानना था कि अब बस बहुत हुआ, यहाँ से घूमने वाला है, और अभी भी हमारा व्यू है कि 65-70 ये लेवल पकड़िए, इसके नीचे भी क्रूड जाने वाला नहीं है। इस रेंज में स्टेबिलाइज हो जाएगा, उसके बाद बाजार क्रूड की इतनी चिंता छोड़ देगा। ठीक। क्रूड के साथ बाजार की चाल ऐसी होती है, जब नए हाइज बनते हैं तो बाजार बहुत चिंतित होता है। एक बार बाजार को कॉन्फिडेंस आ गया कि यही रेंज है, कुछ दिन बाद आप क्रूड की बातें करना ही बंद कर देंगे। तो चलिए ये एटलीस्ट स्टेबिलाइज हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। चलिए ठीक है। सबसे पहला सवाल लेते हैं जितेंद्र नरेंद्र जोशी जी का, जेट एयरवेज में ख्याल से इस पे ये व्यू मांग रहे हैं, इस पे क्या व्यू बनता है? तो क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर तो ये नीचे, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे तो ये ऊपर, 20% का डिस्काउंट भी आया तो अब ये टिकट बेचेंगे कम भाव पे, ज़्यादा सीटें भरेंगी, रियलाइजेशन शायद अच्छी हो, आपको रहेगा डिस्काउंट है, लेकिन समझ में नहीं आता एक ही टिकट जब एक दिन 2,000 की बिकती है, 25 दिन के बाद वही टिकट 6,000 की बिकती है, तो डिस्काउंट कहाँ से कैलकुलेट करें? लेकिन लोड फैक्टर बढ़ना चाहिए और वही टेंशन है, इनका लोड फैक्टर कम हो गया है और इस वजह से इन सभी की पिटाई हो रही है। एविएशन स्टॉक्स पे मेरा भी बदला नहीं है, मैं अटके हुए टेप की तरह आपको एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में इसको बॉटम आउट होना है। अभी देखते रहिए, पिछले महीनों के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा दिल तोड़ने वाले हैं। अगर यहाँ से आंकड़े सुधरने लगते हैं, अगर वॉल्यूम ग्रोथ फिर से अच्छी आने लगती है 20% के आसपास, तो ये स्टॉक शायद यहाँ से बॉटम आउट हो जाएंगे और क्रूड भी स्टेबलाइज होगा, तो उसको भी एक बार की पचा करके ये स्टॉक्स ऊपर चलना शुरू करेंगे। अगर आपको रिजल्ट में दिखेगा कि भाई अब इस भाव पे तो ठीक है, मोर ऑर लेस मार्जिन चल रही है, नुकसान नहीं हो रहा कंपनीज को, तो ये क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं, इसमें बॉटम फिशिंग आप धीरे धीरे करने की कोशिश कर सकते हैं इन सारी खबरों के बीच, लेकिन ध्यान रखिएगा एक दिन में बॉटम बनेगा नहीं, 2-3 महीने में बनेगा। चलिए ठीक है। अमित शिवडे जी पूछ रहे हैं व्यू ऑन HDFC लिमिटेड और HDFC लाइफ। तो HDFC लिमिटेड के लिए तो प्रदीप सर का व्यू काफी वक्त से पॉजिटिव बना हुआ है, और HDFC लाइफ के लिए पर
उतना ही पॉजिटिव है, उतना ही पॉजिटिव है। जो रिटर्न पिछले 20 साल में HDFC ने दिया है 20 साल में, हाँ, जी वो हो सकता है कि आपको HDFC लाइफ यहाँ से कमा कर दे, क्योंकि इंश्योरेंस में अभी पेनिट्रेशन की शुरुआत हो रही है और उस लिहाज से मौके काफ़ी शानदार है। HDFC और HDFC लाइफ या HDFC बैंक, इन स्टॉक में आप निवेश कीजिए, आराम से सो जाइए और मैसेज मत कीजिएगा कल से, हमारा जवाब तो यही रहने वाला है। चलिए, उमेश पाठक जी पूछ रहे हैं कि फेडरल बैंक, तो इस पे तो आपको पहले बता दूं, प्रदीप सर का व्यू एकदम क्लियर था, जब रिजल्ट आया तब ऑलरेडी स्टॉक 8-9% ऊपर था, उसके बाद भी प्रदीप सर ने बोला था कि ये री राइटिंग का कैंडिडेट है और इसको खरीदना चाहिए, और तब उसके बाद और 10% चला है, तो डेफिनेटली एक सुपर कॉल था फेडरल बैंक, तो इस पे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए व्यू या फिर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू क्या बन रहा है अब? तो देखिए, सबसे पहले तो जब रिजल्ट आए तब तो व्यू ये था कि भाव भगवान है और भाव बहुत नीचे है और रिजल्ट बहुत सुपर है, उम्मीद से बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर तेजी होनी ही होनी है, तो वो आज के दिन हो गई। लेकिन इसके बाद क्या, फेडरल बैंक की डी रेटिंग ज़्यादा हो गई थी, 3% के ग्रॉस NPA वाले बैंक के हिसाब से जो प्रीमियम मिलना चाहिए वो इसको नहीं मिल रहा था। एक रिजल्ट देख कर लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं कई बार और पिटाई होती है, बट क्या आपका हाल ऐसे भी बुरा था। तो देखिए, ये RBL नहीं है, ये आपको RBL वाली ग्रोथ नहीं देगा, लेकिन एक स्टेबल एसेट क्वालिटी के साथ एक तय रेट पे ग्रोथ आपको ये ज़रूर दे सकता है। मुझे लगता है फेडरल बैंक यहाँ से आगे री रेट होता रहेगा और ये आपको अच्छे रिटर्न कमा कर देगा आगे आने वाले दिनों में। मार्केट से बेहतर रिटर्न आएंगे, इस सेक्टर के आउट परफॉर्मेंस में अगले 6 महीने साल भर के दौरान शामिल होगा, इसकी पूरी उम्मीद। पर आज के 20% के हाइक के बाद भी इसको खरीदना चाहिए प्रदीप? 20% इसलिए चला क्योंकि बहुत नीचे आ गया, इसलिए 20% की तेजी आपको लग रही है, लेकिन आप ऊपर से देखेंगे तो भी नीचे है, भी आपका देखने का नजरिया है, लेकिन हाँ सही बात है, इस तरह की तेजी के बाद इंतजार करना चाहिए। 20% चला है तो ठीक है, 5-7% घटने का इंतजार कीजिए, मार्केट का मूड आजकल कुछ कहा नहीं जाता, अगर एकदम से मूड बिगड़ गया तो यही बायर आज जो लोग लेकर गए हैं कल प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे, थोड़े लोग बेच कर जाएंगे तो आपको फिर नीचे मिलेगा, लेकिन अब नीचे आए तो खरीदना चाहिए, अब बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। चलिए ठीक है। अच्छा, सोमन दास जी पूछ रहे, 3 दिन से पूछ रहा हूँ क्यों मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सॉरी सर, हम कोशिश करते हैं जितने सवाल का जवाब लेना उतने लेते हैं। सो BEL और BHEL, ये दोनों स्टॉक्स पे वो व्यू मांग रहे हैं, तो सबसे पहले BHEL, ये स्टॉक पे सच में कोई व्यू बनता है कि या फिर इग्नोर करने का ही वक्त होगा इस स्टॉक के लिए? तो आज भी हम ताहिर बादशाह से बात कर रहे थे, इन्वेस्टको के ताहिर पहले एक और दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में थे जहाँ पे बड़े टॉप परफॉर्मर मैनेजर्स में माने जाते थे, अभी माने जाते हैं, और इन्होंने आज जो उनसे मैंने पूछा कि आप नेगेटिव लिस्ट बताइए, तो बोले पावर से जुड़े हुए स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि इस सेक्टर में कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं हो रहा है और ये निराशा भेल पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर शेयर लेनी है, सरकारी कंपनी का ही शेयर लेना है, तो भी अगर मैं 10 शेयर की लिस्ट बनाऊँगा तो भेल होगा 10वें नंबर। BEL ठीक है, डिफेंस का एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो BEML और BEL की थोड़ी ज़्यादा री रेटिंग हो गई थी, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर सबको लगा कि इन कंपनियों में कोई फॉरेन कोलैबोरेशन हो जाएगा, कोई प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगी, हिस्सा बिक जाएगा, डिफेंस एज अ होल पर भी बहुत सारा काम होगा ऐसा बात हो रही थी, इसके वजह से भी इसको फायदा मिला था, लेकिन स्टॉक पे इतना रिएक्शन नहीं आया, ना ही बुक्स पे इतना दिखाई दिया है। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं जो आप पूछ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी कंपनियां आमतौर पे इलेक्शन ईयर में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देती हैं, इसलिए ऐसे भी लोग इससे थोड़ा दूर हैं, तो जब बड़े खिलाड़ी ये सोचेंगे कि चलो इलेक्शन के बाद भी उलेंगे, तो आप लेकर बैठेंगे तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 12-18 महीने का, अगर सब कुछ ठीक लगे BEL में तो भी BHEL में तो। पर इसमें ना प्रदीप सर का एक स्टेटमेंट मैं रिपीट करना चाहूंगी कि इलेक्शन ईयर होने वाला है, इसलिए PSU बैंक्स या फिर PSU एज अ कंपनी से थोड़ा दूर रहिए, अवॉइड करिए, अगर हो सकता है मार्केट में और काफी अच्छी क्वालिटी के कंपनीज मिल जाएंगे आपको। बैंक पे मेरा व्यू थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसकी बहुत बुरी तरह पिटाई हो गई है, अब देखिए PNB इसका पिटा था तो आज थोड़ी सी खबर पे चल गया, तो हो सकता है कि ये स्टॉक फिर भी आपको क्योंकि बहुत गिरे हुए हैं तो एक बदलाव आ सकता है। और एक और बात यहाँ पे हुई है, वो देखिए, हालांकि इलेक्शन ईयर है, लेकिन जब से पीयूष गोयल साहब ने चार्ज लिया है वो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो रिकवरी तो हो रही है अभी तक, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा लगता था कि फोकस केवल रिकवरी पे है, तो ये बैंक है या रिकवरी एजेंसी है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो नहीं है ना, बैंक है एंड ऑफ द डे। लेकिन जब से पीयूष गोयल जी आए हैं तब से उन्होंने लोन देने पर जोर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनकी रीरेटिंग थोड़ी सी हो सकती है। पर वक्त देना पड़ेगा, उसके बाद होगा, वो तो है नहीं, लेकिन ये बाउंस है, हाँ। समझिएगा,
ये ऐसा मत समझिएगा कि कल से लोग एक्सिस बैंक बेच करके एसबीआई लेंगे, वो नहीं होगा। चलिए ठीक है, संतोष गौर जी पूछिए एचयूएल इस पर क्या व्यू बन रहा है। तो एचयूएल के लिए तो कल हमने आपको बताया था कि नतीजे अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है, ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव थे लोग इस पे, तो आज शायद इतना रिएक्शन स्टॉक में ना दिखाई दे, तो गिरावट आती हुई दिखाई दी। के साथ ही व्यू दिया, बाजार खुलने के पहले से ये व्यू दिया था कि आज आपको बेचना है। प्रकाश गाबा ने 1700 के टारगेट दिए थे, 1680 पे जो स्टॉक पहुंच गया है, अब क्या लोग कह रहे हैं लेंगे, हम लेंगे ऑब्वियसली, अच्छे है, अच्छा है, किस भाव पे लेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए अच्छा माल अगर सस्ते में मिलता है, अच्छा अच्छे क्वालिटी का स्टॉक अगर सस्ते में मिलने की गुंजाइश है, तो लोग अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारा रितिक स्टॉक है ना, ये हमारा रितिक स्टॉक है राइट, दूसरा जो एच है टीएच। चलिए ठीक है, ओके दूसरा सवाल ये टाटा स्टील इस पे क्या व्यू बन रहा है, इस लेवल्स पे क्या कोई खरीदारी बनती है, भावेश जैन जी यहाँ पे पूछ रहे हैं। कल भी हमने बात की थी और टाटा स्टील पे हमारा ये मानना है कि अभी मेटल का साइकिल बहुत क्लियर नहीं है कि किधर जा रहा है, इसलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा है इस समय के बाजार में। क्या आप ये रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत सस्ता नहीं है, तो हाई रिस्क नॉट सो हाई रिटर्न वाला इक्वेशन बनता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा डर लगता है। ओके संजीव दलवा जी पूछ रहे हैं, उन्होंने कोलगेट खरीदा है 1170 पे, तो इसमें क्या व्यू बन रहा है, तो कोलगेट तो लॉन्ग टर्म स्टॉक कहा जाएगा प्रदीप, कोई शॉर्ट टर्म के लिए व्यू बनता है इसके लिए? नहीं, मैंने चार्ट देखे भी नहीं हाल में, लेकिन इस समय आप आम तौर पे देख रहे हैं कि सारे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स सबके पोर्टफोलियो में भरे जा रहे हैं जी, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करने वालों का शेयर है नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये जो वेद शक्ति इन्होंने लॉन्च किया है उससे ये दंत कांति की चमक को थोड़ा और फीका करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हो भी रही है, तो शेयर के आंकड़े थोड़े इंकरेजिंग लग रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए निवेश के लिहाज से भी पॉजिटिव रहेगा। ओके आकाश कुमार जी पूछे मोतीलाल ओसवाल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? अच्छा है, कंट्रोवर्सी से बाहर निकल रहा है ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, अब धीरे धीरे बड़ा अंडर परफॉर्मर था, कैचअप करने की कोशिश इंडस्ट्री के साथ देखी जा रही है। मेरा ख्याल है मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक में आपको गिरावट पे लेने के बारे में सोचना चाहिए, और ये धारणा रखते हुए कि एक बार जो नुकसान हुआ उसके बाद आगे फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और आगे आपको फिर ऐसे झटके नहीं लगेंगे। ठीक है, सोहन जोशी जी पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड पीवीआर और एसबीआई ये तीनों स्टॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है। तो अशोक लेलैंड तो कल हम बिल्कुल सही पड़े प्रदीप, मैं यहाँ पे यहाँ कहना चाहूंगी कि कल आपने यही एफबी लाइव में कहा था कि गिरावट में खरीदिए, तो जो कल गिरावट आई थी उसका अगर लोगों ने फायदा उठाया होता तो आज उसका बड़ा फायदा मिल जाता, लेकिन अब आगे क्या क्या ये बढ़त जारी रहेगी या फिर धीरे धीरे ही जो आगे बढ़ता है अशोक लेलैंड वैसे ही आगे बढ़ने वाला है? ये हमने बताया था कि 118 का स्टॉप लॉस लेकर के आप पोजीशन लीजिए, और अभी भी मेरा व्यू वही रहेगा निवेशकों के लिए। 118 का स्टॉप, निवेशक का मतलब वो लोग जो 3-4-6 महीने लेना चाहते हैं आजकल, उनको निवेशक कहते हैं। जो और लंबा लेने वाले हैं उनकी तो चिंता की बात ही नहीं है, वो तो किसी भी लेवल पर ले सकते हैं। ट्रेडर्स के लिहाज से मुझे लगता है कि 123-124 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन होल्ड करेंगे, नतीजे तो अच्छे हैं, आप तो ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन नतीजे हैं। मार्केट में रॉ मटेरियल प्राइसेस में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी ने बेहतरीन मार्जिन डिलीवर किए हैं, और इस वक्त प्रॉब्लम वही है, उम्मीद से बेहतर मार्जिन है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इस वक्त। वॉल्यूम्स बेहद ही मजबूत चल रहे हैं कंपनीज के, उस लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल के प्राइस में बढ़ोतरी के बाद अगर इतने अच्छे मार्जिन आप डिलीवर कर सको तो और क्या चाहिए आपको मार्केट में से। So definitely positive thumbs up तो है ही अशोक लेलैंड। दूसरा स्टॉक था उनका पीवीआर, तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है ये फूड एंड बेवरेजेस के उनके सेगमेंट पे ये दबाव पड़ सकता है, इसको किस तरह देखना चाहिए, क्या गिरावट में खरीदारी का ये मौका बन रहा है या फिर नहीं थोड़ा डरना चाहिए इससे? तो ये जो थिएटर में खाना ले जाने वाली बात आई है उसके बाद से हम देख रहे हैं लोगों अब जिस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं, देखिए बिल्कुल कि ठीक है पहले लोग ट्रेन में डिब्बे में खाना भर के ले जाते थे, अब तो मैं ट्रेन में भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग तो बाहर से ही खा रहे हैं, और अगर वो ले भी आ रहे हैं तो वो सैंडविच और इस तरह के नई चीजें लेकर आ रहे हैं। अब पराठा और अचार तो लेके जाने वाले लोग बहुत कम है। अच्छा पीवीआर का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है अगर पीवीआर में मैं जाऊंगा ये लागू होने के बाद जी, जी। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि मुझे वहाँ पे कोई बैठ करके घर की बनी हुई बिरयानी खाता हुआ दिखेगा, मुझे लोग सबवे के सैंडविच खाते हुए दिखेंगे, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाते हुए दिखेंगे,
पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाते हुए देखेंगे या डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हुए देखेंगे, तो आप लोग ये कहेंगे कि हमको वो ज़्यादा ब्रांड पसंद है या अंदर जो मिलता है उससे, तो हम वो बाहर वाला लेके आ जाएंगे। इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके लिए तमाम रास्ते हैं कि कॉम्पिटेटिव रेट्स अंदर ऑफर किए जा सकते हैं, तो फिर आप लेके क्यों जाएंगे अंदर बैठ के, या कुछ टाइप्स वगैरह हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी आगे क्या होती है किसकी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कम्प्लीटली ओवरडन तो हो ही चुका है। लेकिन और ये बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये तो जो हुआ वो हुआ अपनी जगह है, लेकिन उसके पहले भी तो पीवीआर में थोड़ी चिंताएं होने लगी थी और दूसरे तमाम स्टॉक कि अब लोग नेटफ्लिक्स पे टीवी देख रहे हैं और नई मूवीज आपको देखने को मिल रही हैं, तो या अमेजोन प्राइम पे काफ़ी ज़्यादा फायर स्टिक्स बिक रही हैं, तो वो एक अपनी चिंता अपनी जगह पे है इन सारे स्टॉक्स के लिए। और ये बड़ा आउट परफॉर्मर था, तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हाल की गिरावट वर्डन है, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि एक अच्छा आउट परफॉर्मर था, थोड़े टाइम चिस्का भी सकता है, तो बहुत जल्दबाजी में रिटर्न नहीं मिलेंगे, पर यहाँ पे घबरा के बेचिए मत, अगर आप फंसे हैं तो आपको निकलने का बेहतर मौका मिलेगा। चलिए ठीक है, आप प्रदीप कल के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी देना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर थिंग्स जिस पे खास नजर रखनी होगी हमें? नहीं, मेरी नजर तो उसी लेवल पर है, देखिए क्योंकि क्रूड का जो फायदा होना था वो मुझे लगता है काफी हद तक हो चुका है, थोड़ा और मिल सकता है, लेकिन जब मैं मिड कैप का ट्रेंड देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते की गिरावट के बाद मिड कैप में दो दिन का बाउंस आता है, जैसे आ जाया, लेकिन वो टिकता नहीं है, फिजल आउट हो जाता है, नए हाइस नहीं बना रहा है मिड कैप अभी भी, तो उसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि बाजार का मूड आज अच्छा था कल फिर से बिगड़ सकता है। निफ्टी बैंक या निफ्टी की भी बात करें तो वो लेवल में फिर से दोहराता हूँ जो मैंने पहले बताए थे आपको, 27,170 निफ्टी बैंक में और 11,080 निफ्टी में, इसका पार होना मुझे फिलहाल मुश्किल लग रहा है। अगर इन लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं हम तो वहाँ तक नहीं भी पहुँचे, उसके करीब बढ़ते हुए नजर आएंगे तो मुनाफा वसूल करने की सोचें तो बेहतर होगा। जब ये लेवल डिसाइसिवली ब्रीच हो जाएंगे तो फिर निफ्टी में हम सोचेंगे कि क्या यहाँ से ऊपर 300 पॉइंट की एक और रैली हम खेल सकते हैं, तब सोचेंगे, और तब हम ये सोचेंगे कि क्या बैंक निफ्टी में 800-900 पॉइंट की एक और रैली हम खेल सकते हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि देखिए आप एक अच्छी रैली दिखा चुके हैं, ठीक है, नीचे के लेवल से आप यहाँ तक आए, एक टारगेट आपने अचीव कर लिया 11,000 का निफ्टी में, 27,000 का बैंक निफ्टी में, ऊपर का टारगेट है 11,350 से 11,400 के टारगेट निफ्टी में बनते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा नीचे जाना होगा, थोड़ा कंसोलिडेट करना होगा, थोड़ी जगह बनानी होगी और फिर आप ऊपर आने की कोशिश करेंगे। अभी तक का व्यू यही है, इसलिए ऊपर के लेवल पर इन लेवल्स के आसपास डेफिनेटली ध्यान रखें। चलिए ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर ले, क्रूड भी सपोर्ट कर ले, तो शायद प्रदीप के ये लेवल्स टूट जाए।